हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी क्रोकिया आज आपको क्लास सिक्स की मैथ का चैप्टर पॉलीगॉन्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप केयरफुली वॉच करेंगे। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हो सकता है आपके लिए नया भी हो। ठीक है, तो केयरफुली वॉच करेंगे, मैं आपको जो भी टॉपिक्स क्लियर करूँगा, ठीक, आप उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक, जैसे फर्स्ट हेडिंग क्या लिखी है मैंने पॉलीगॉन में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जब भी आप किसी रूलर का यूज करते हैं, ठीक है, आप जब भी किसी रूलर का यूज करते हैं, ठीक है, और उसके किसी एज पर क्या करते हैं, पेंसिल को मूव करते हैं, तो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, अब रूलर हटा लेंगे तो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपके कर्व क्या होते हैं, जब आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कंपास में जब आप पेंसिल को सेट करते हैं और पेंसिल से क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कर्व। जैसे आप अगर कोई कॉइन लें, ठीक है, कॉइन लिया आपने और आपने क्या किया, कॉइन को रखकर उसके एज पर क्या किया, फिर से आपने पेंसिल को मूव किया, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा, वो कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और कर्व में डिफरेंस समझ में आया। स्ट्रेट लाइन आपकी कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है, उसमें कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होगा। बट कर्व क्या होगा, आपका कर्व क्या होगा, वन साइड क्या होगा, बेंड होगा, एक तरफ को क्या होगा, झुका होगा। हाँ, समझ में आएगी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या हेडिंग लिखी है, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, आपका ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, आपका आप जहाँ से डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करें, वो डायग्राम क्या हो, वहीं पर आकर एंड हो जाए। मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, कोई भी हो आपका, चाहे वो सर्कल हो, ठीक है, आपका चाहे वो सर्कल हो, ठीक, और चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो, ठीक, कुछ भी हो, ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे, आपके क्या होंगे, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, आप जहाँ से पेंसिल मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहीं पर एंड भी कर रहे हैं, तो वो आपका फिगर कैसा होगा, क्लोज्ड। ठीक है, जैसे ये भी आपका कैसा है, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पेंसिल को, ठीक, क्या करना है, लिफ्ट नहीं करना, उठाना नहीं है। ठीक है, एक बार अगर आप पेंसिल रखते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, वो डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब बात करते हैं ओपन फिगर्स की। ओपन फिगर्स क्या होते हैं, ठीक, ओपन फिगर क्या होंगे, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, जैसे कुछ भी ड्रॉ कर दो, ठीक है, ठीक, ये सब क्या है आपके, ओपन फिगर है। ठीक है, जैसे, ठीक, ये भी क्या है, ओपन फिगर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जो क्लोज्ड फिगर होते हैं, ठीक, वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक होता है सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर कौन कौन से होंगे, ठीक, जैसे अभी मैंने बताया आपको स्क्वायर, ठीक, रेक्टेंगल, स्फीयर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक, पेंटागॉन, ठीक है, ये सब आपके कैसे हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर। अच्छा, सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, जो अपनी ही लाइन को क्या करते हैं, कट नहीं करते हैं। ठीक, जैसे, अच्छा, सिंपल क्लोज्ड फिगर के बाद क्या होता है, नॉन सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक, जो क्या हो, सिंपल क्लोज्ड फिगर ना हो। जैसे अभी मैंने आपको स्टार बनाया था, ठीक, ये क्या कर रहा है, क्लोज्ड फिगर तो है, बट ये क्या कर रहा है, अपनी ही लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं, इसलिए ये आपका क्या है, नॉन सिंपल क्लोज्ड फिगर है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी आपका क्या है, नॉन सिंपल क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, ऐसे ही आपका, ठीक है, ये भी आपका क्या है, नॉन सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्यों, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, जो अपनी लाइन को क्या करते हैं, कट नहीं करते। इतनी बात समझ में आई।
ठीक। अच्छा अब बात करते हैं पॉलीगॉन्स की, ठीक है। पॉलीगॉन्स पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कर्व क्या होते हैं, ठीक है, ओपन फिगर्स क्या होते हैं, क्लोज फिगर क्या होते हैं, सिंपल क्लोज फिगर क्या होते हैं और नॉन सिंपल क्लोज फिगर क्या होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, पॉलीगॉन्स की, ठीक है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स का मीन्स है, पॉली का मीन्स होता है मैनी, ठीक है, और गॉन्स का मीन्स होता है साइड्स, ठीक, जिसमें क्या हो मैनी साइड्स हो, ठीक, जैसे आपका ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, ठीक, हेक्सागॉन, ठीक है, हेक्सागॉन, ठीक, ऐसे ही आपका क्या होगा, हेप्टागॉन होगा, ठीक। अच्छा आपको यहाँ पर जानना क्या है, आपकी जो पेंटागॉन होगा, ठीक, उसमें कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें एंगल्स भी कितने होंगे, 5 एंगल भी कितने होंगे, 5 होंगे, 5 एंगल्स, इतनी बात समझ में, जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, ठीक है, और 4 एंगल्स, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा अब आपके जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक, एक ऐसा होगा रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है, और कैसा होगा इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जिसमें आपके पॉलीगॉन्स की ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक, जैसे आपका स्क्वायर, स्क्वायर में आपकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल, ठीक है, और आपका जैसे देखो स्क्वायर भी आपका एग्जांपल है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स है, ठीक है, और आपका, ठीक, ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी आपकी कितनी है, 4 साइड्स, ठीक, बट ये आपका कैसा है इरेगुलर, क्योंकि इसमें आपकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा अब देखिए बात करते हैं जहां पर आपकी दो स्ट्रेट लाइन क्या करती है, कट करती हैं, ठीक है, मतलब जो आपका एंडिंग पॉइंट होते हैं टू लाइंस के, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है, जैसे ये, जैसे ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कितने वर्टेक्स है, 3, कितने वर्टेक्स हैं, 3, ए बी एंड सी, ठीक है। साइड्स कितनी होगी, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल के लिए, ठीक है, और इसमें कितनी साइड्स होंगी, 3, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बात करते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स, देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स मीन्स होता है आपकी दो ऐसी साइड्स जो क्या हो एक दूसरे को टच करती हो, ठीक है, जिनके एंडिंग पॉइंट क्या हो सेम हो, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं, जिनके एंडिंग पॉइंट जैसे ए बी और बी सी का एंडिंग पॉइंट क्या है सेम, तो दोनों क्या है एडजेसेंट साइड, कौन सी, ए बी और बी सी, जैसे क्वाड्रिलेटरल की बात करें ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पर ए डी और डी सी का जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स में डिफरेंस होता है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर ए डी और डी सी क्या है एडजेसेंट साइड, क्योंकि दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है 1। अच्छा एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ठीक, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, जिसमें क्या हो ऐसे एंगल जो क्या हो एक ही लाइन के एंड पर हो, जैसे एंगल डी और एंगल सी, ठीक है, एंगल डी एंड एंगल सी कहाँ है, दोनों एक ही लाइन पर है, किस पर, डी सी पर, जैसे एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी, ठीक है, ये भी आपका क्या कहाँ है एक ही लाइन पर है, और वो लाइन कौन सी है, बी सी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब बात करते हैं डायगोनल,
डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, आपकी ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करता हो, नॉन एडजेसेंट, देखो एडजेसेंट एंगल ये है, ये एडजेसेंट, बट ये नॉन एडजेसेंट एंगल है, ठीक, तो नॉन एडजेसेंट एंगल को जो भी लाइन क्या करे, मीट करे, ठीक, वो आपका क्या होगा, डायगोनल, ठीक है। ऐसे ही आपके डायगोनल कितने होंगे, क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे, टू, ठीक है। तो डायगोनल समझ में आया क्या होता है, नॉन एडजेसेंट एंगल को मीट करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, डायगोनल। जैसे पेंटागॉन में देखते हैं, पेंटागॉन में देखो एडजेसेंट एंगल इसका क्या है, एक ये और एक ये, तो ये इसके दो डायगोनल यहाँ से बनेंगे, ठीक। अब इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा, ये और ये, तो नॉन एडजेसेंट एंगल ये और एक ये, ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। तो कितने डायगोनल्स हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 5, कितने हो गए टोटल, 5, ठीक है। ऐसे ही हेक्सागोन में क्या होंगे, और ज़्यादा डायगोनल्स होंगे, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, पॉलीगॉन्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जिसमें ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आपको आगे भी क्लास 7th 8th में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक। इरेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जिसमें ऑल साइड्स का इक्वल ना हो, ठीक है। अच्छा, साइड भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पॉलीगॉन है, कि ट्रायंगल है, कि क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पर, साइड्स पर, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पर आपके दो साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, जहाँ पर आपके कट करते हैं, जहाँ पर एंडिंग पॉइंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, जहाँ आपकी ऐसी दो साइड्स जो क्या करती हों, एक दूसरे को टच करती हों, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड, ठीक। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो आपके क्या हो, एक ही लाइन के एंड पर हो, ठीक, वो आपके क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट एंगल को मीट करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, अगर आपको कोई डाउट होती है, ठीक, तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट सेशन में कमेंट करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।